फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है आप इंडिया में कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट जो है मेरे अनेक वीडियो पे आते थे कि सर मुझे रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, आप मुझे बताइए कि मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे ले सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियरिफाई करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप इंडिया में कैसे ले सकते हैं और इसके लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसमें जो है आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज जानने के लिए जो है आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि जो भी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड्स, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि फ्रेंड्स आपको इसी चैनल के द्वारा जो है आपको फ्रेंचाइजी और बिजनेस के वीडियो जो है आपको समय समय पर आपको दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर पहले मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि रेडबुल जो है एक एनर्जी ड्रिंक का ब्रांड है जो कि ऑस्ट्रियन कंपनी रेडबुल के थ्रू जो है इसको बेचा जाता है और अभी इस कंपनी का पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है 38% मार्केट शेयर है। और इस कंपनी के जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो है एनर्जी ड्रिंक आते हैं जैसे कि रेडबुल जीरो हुआ, रेडबुल टोटल जीरो हुआ, रेडबुल शुगर फ्री हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई प्रकार के जो है रेडबुल के एनर्जी ड्रिंक आते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का अगर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, पहले यहां पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी की तरफ से जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया बनाया गया है। फ्रेंड्स, यहां पे कंपनी की तरफ से जो बेसिक क्राइटेरिया बनाया गया है, जो भी एप्लीकेंट इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है तो फ्रेंड्स उसका जो एज है मिनिमम 21 साल होना चाहिए। इसके साथ साथ उस एप्लीकेंट को किसी दूसरे ब्रांड को डील करने में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद जो है आपके पास में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और प्रॉपर स्पेस एरिया होना चाहिए जहां पे आप रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है आप ओपन कर सके। फ्रेंड्स, यहां पे जो स्पेस एरिया है आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद जो है आपको बिजनेस मैनेजमेंट का अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए तभी यहाँ पे जो है कंपनी आपके प्रोफाइल को जो है यहाँ पे रेडबुल एनर्जी ड्रिंक के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जो है कंसिडर करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो इसके लिए जो है आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट लगने वाला है जैसे कि आपका वोटर आईडी हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ। यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ में भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। उसके बाद आपका जो भी बिजनेस में एक्सपीरियंस होगा तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो भी करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होगा तो उसका लास्ट 6 महीने का यहाँ पे स्टेटमेंट का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा और उसके बाद कंपनी यहाँ पे आपसे कैंसिल चेक भी आपसे लेती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी स्पेस एरिया होगा जहाँ पे भी आप ओपन करना चाहते हैं रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो उसका भी जो है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कंपनी को दिखाने पड़ते हैं और उसका फोटोग्राफ भी जो है कंपनी आपसे यहाँ पे मांगती है। उसके बाद जो है आपको जीएसटी नंबर का रिक्वायरमेंट रहेगा और फसाई लाइसेंस यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस भी यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेनली जो है आपको यही सारे डॉक्यूमेंट और लाइसेंस में जो है आप रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का जो है आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप रन कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपको रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 से 20 लाख का जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ इसमें जो है आपका स्पेस एरिया का कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे जो है आपको स्पेस एरिया में जो भी इंटीरियर वर्क आपको करवाना पड़ेगा तो फ्रेंड्स उसका कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ पे आपको इनिशियल स्टॉक जो है आपको 13 से 15 लाख का जो है आपको परचेस करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका रेस्ट जो अमाउंट है वो जो है आपका इंटीरियर हुआ, उसके बाद और भी जो भी खर्च होंगे तो उसमें जो है आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कंपनी जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपसे डिपॉजिट नहीं करती है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा काम जो है आपको कैश में करना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी आपको क्रेडिट पे जो है आपको माल नहीं दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी को आपको डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ेगा और उसी पेमेंट के अगेंस्ट में जो है कंपनी आपको माल भेजती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्लेरिफाई हो गया कि अगर आपको यहाँ पे रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप इंडिया में रन करना है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको मोटा मोटी जो है 20 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर आप रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप रन करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो है आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं
आपको क्लियरिफाई कर दूं कि यहां पे कंपनी की तरफ से जो है आपको टोटल सेल्स में जो है 5% का जो है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप रन करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं या लॉस में रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे जो है टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो भी स्पेस एरिया डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने रन करने के लिए लिया होगा तो वो एरिया जो है कैसे लोकेशन पे है, उस एरिया पे जो है हाई फुटफॉल एरिया है कि नहीं है। अगर लो फुटफॉल एरिया रहेगा तो फ्रेंड्स वहां पे जो है आपका सेल कम होगा, अगर हाई फुटफॉल एरिया रहेगा तो फ्रेंड्स वहां पे आपका सेल ज्यादा होगा जिससे यहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप रन करना चाहते हैं तो आप अपना स्पेस एरिया वैसे जगह पे चूज करें जहां पे हाई फुटफॉल एरिया हो। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि अगर आप इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप रन करते हैं तो कंपनी जो है आपको किस प्रकार से यहां पे आपको सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कंपनी आपको सेल्स रिलेटेड जो है आपको पूरी तरह से यहां पे आपको सपोर्ट करती है। उसके बाद जो भी आप स्टाफ अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आप रखेंगे तो फ्रेंड्स उसको जो है पूरा कंपनी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। उसके बाद यहाँ पे फ्रीजर में भी जो है आपको कंपनी यहाँ पे आपको सपोर्ट करती है। साइनेज बोर्ड जो है आपको किस प्रकार का लगाना है इसका भी जो है आपको कंपनी सपोर्ट करेगी। उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और फ्राइट ऑन स्टॉक में भी जो है यहाँ पे कंपनी आपको सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में जो है यहाँ पे कंपनी आपको पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने वाली है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है ताकि आपका जो सेल्स है वो पूरी तरह से इंक्रीज हो सके। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर आपको इंडिया में रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी से और आपको जो है किस प्रकार से इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल सकता है, इसके लिए जो है हम लोग यहां से डायरेक्टली अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलेंगे। फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कंपनी से कांटेक्ट करना था फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं एक ईमेल आईडी दिया गया है, आपको इसी ईमेल आईडी पे जो है आपको अपना मेल जो है आपको सेंड करना पड़ेगा और उसी मेल आईडी पे जो है कंपनी की तरफ से जो है आपको रिवर्स जो है आपको रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको मेल किस प्रकार से करना है, यहाँ पे मैंने मेल लिख दिया है तो आप इसी के हिसाब से जो है आप अपना मेल जो है आप टाइप करके आप इस मेल आईडी पे आप सेंड करें। उसके बाद जो है कंपनी तरफ से आपको रिप्लाई आता है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको वहाँ पे नंबर भी दिए रहेंगे जिससे आप डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने भी जो है इसी प्रकार से कंपनी को मेल किया था और मुझे सारा इन्फॉर्मेशन जो है रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में दिया गया था, तभी ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको बता दूं कि अभी कंपनी जो है किस किस लोकेशन के लिए जो है यहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है सर्च कर रही है। तो यहां पे देख सकते हैं मैंने सारा लोकेशन जो है यहां पे मेंशन कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सारे लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो आप रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि यहां पे आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप इंडिया में लेना है तो फ्रेंड्स आप कैसे ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।